जय हिंद दोस्तों, यह है फोर्स एमपीपीएससी की ऑनलाइन क्लास और आप देख रहे हो यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 6। इस प्रकार की जो यूनिट है खासतौर से जिनका संबंध पेपर सेकंड से है, पेपर सेकंड के पार्ट बी से है और जिसमें समाजशास्त्र का बहुत सारा पोर्शन हम लोग देखने वाले हैं। और उसी क्रम में हम लोग पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने संस्कारों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया और आज इस लेक्चर में हम संस्कारों का महत्व क्या है, क्या इनका इम्पोर्टेंस है ना, क्या इनका इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में विस्तार से आज जानने वाले हैं। जो पॉइंट्स आपके सामने हैं इन पर ही आपसे 5 अंक का प्रश्न पूछा जा सकता है कि संस्कारों का समाजशास्त्री महत्व बताइए या महत्व बताइए। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है कि मानव शुद्धि तथा व्यक्तित्व विकास में सहायक। चलिए बाकी सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ और फिर हम लोग इसको समझते हैं। मानव शुद्धि है ना, मानव शुद्धि और व्यक्तित्व विकास में सहायक। मानव शुद्धि का क्या मतलब होता है, जैसे हम लोग जब इसका शाब्दिक अर्थ देखने गए थे, आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, जब हम इसका शाब्दिक अर्थ देख रहे थे कि संस्कार क्या होते हैं, तब मैंने आप लोगों को जो शब्द बताया था कि इसका अर्थ ही शुद्धिकरण से होता है ना, क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग भूमिका को निभाने के लिए जीवन के इस पूरी यात्रा में अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं को निभाने हेतु हमें क्या करना आवश्यक है, अगली भूमिका के लिए अपनी तैयारी करना जरूरी है और तैयार होने के लिए हमें पिछली भूमिका से मुक्त होना और उसके बुरे या अशुभ जो प्रभाव होते हैं, जैसे भी जो प्रभाव होते हैं, उन प्रभावों से पूर्णतः मुक्त होना आवश्यक है ना, मुक्त होना आवश्यक है। आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय संस्कृति में कर्म का सिद्धांत माना जाता है, वो कर्म के सिद्धांत का जो सीधा जो आशय होता है, जो सीधा संबंध होता है, वो पुनर्जन्म से भी होता है। तो पुनर्जन्म और कर्म का जो साथ एक साथ चलता रहता है, ये क्रम एक साथ चलता रहता है। किस तरीके से चलता रहता है कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें अगला जन्म प्राप्त होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, यदि हम कहना चाहिए श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो हमारा जो अगला जो जन्म होता है, जो हमारी अगली गति होती है, वो भी कैसी होती है, वो भी अच्छी होती है, श्रेष्ठ होती है। लेकिन जब हमारे कर्म खराब होते हैं, जब हमारे कर्म निकृष्ट प्रवृत्ति के होते, तो जिनका असर पड़ता है वो भी नकारात्मक पड़ता है दोस्तों। तो ये चीज़ भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि कर्म और पुनर्जन्म का ये जो सिद्धांत है, ये कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें ये बताता है कि अगली भूमिका को तभी हम बहुत अच्छे से निभा पाएंगे, अगला जीवन तभी अच्छे से हम लोग जी पाएंगे, जब हमें पुराने जीवन के दुष्फलों से, उसके दुष्प्रभावों से मुक्ति प्राप्त हो जाए। और इसीलिए मैं जब आपको कर्म की बात कहता हूँ, तो हिंदू संस्कृति में खासतौर से हमारे शास्त्रों में जो कर्म है उसके भी 3 प्रकार बताए गए हैं, संचित कर्म, ठीक है, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। ठीक है, संचित कर्म का मतलब होता है जो पिछले जन्म से हम लोग संचय करके अपने साथ में लेकर आए हैं, वे वाले कर्म। प्रारब्ध का मतलब होता है उन कर्मों का जो फल हम आज प्राप्त कर रहे हैं, वो होता है प्रारब्ध। वो क्रियमाण का मतलब होता है जो कर्म हम आज वर्तमान में इस जीवन में करेंगे, जिसका फल हमें आगे भोगना पड़ सकता है। यानी कि ये कर्म और पुनर्जन्म या कर्म और उसका फल, ये निरंतर चलने वाली श्रृंखला होती है। और इसमें बुरे कर्मों से यदि हम मुक्त होना चाहते हैं, उसके प्रभावों से यदि अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं, तो हमें संस्कारों से गुजरना होता है। ना केवल यहाँ पर संस्कारों की या यहाँ पर बुरे कर्म फलों से प्रभाव से शुद्धिकरण की बात हो रही है, जबकि दूसरी चीज यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे शारीरिक शुद्धि की भी बात होती है, यहाँ पर हमारी आत्मिक शुद्धि की भी बात होती है। देखिए, जैसे जब हम लोग दूसरे या पहला जो जन्म के बाद पहला जो संस्कार होता है, जात कर्म संस्कार, जब हम उसकी बात करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि जात कर्म संस्कार में क्या होता है। जात कर्म संस्कार में यह होता है कि एक जो शिशु होता है उसको जन्म लेने के बाद शुद्ध किया जाता है, उसके शरीर को स्वच्छ किया जाता है, वो भी शुद्धि ही एक तरीके से है ना। आत्मिक की यदि हम लोग बात करें, तो जब हम यज्ञ वगैरह करते हैं है ना, जब हम अपने ऋणों से मुक्त हो जाते हैं, तो भी हम क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास का मतलब यह है कि आप देखेंगे कि इसमें हमारे जीवन के शारीरिक, आत्मिक, मानसिक
सामाजिक सभी पक्षों की बात की गई है और सभी पक्षों को संतुष्ट रखते हुए अपने संपूर्ण व्यक्तिगत विकास के प्रावधान इसमें देखने को मिलते हैं, जो आप लोगों ने पिछली कक्षा में संस्कार की अवधारणा पढ़ी है। आगे बात करते हैं मनुष्य के भौतिक तथा आत्मिक आकांक्षा की पूर्ति करना। आप देखिए भौतिक आकांक्षा की पूर्ति कैसी होती है, तो सबसे पहले हम लोग भोजन की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप देखेंगे कि जो पहला एक संस्कार हुआ करता है, जब हम लोग बात कर रहे थे जिसके माध्यम से क्या होता है कि सबसे पहले उसको कुछ चखाया जाता है, जिसको अन्नप्राशन संस्कार बोलते हैं। क्या कहा जाता है? अन्नप्राशन। तो अन्नप्राशन के माध्यम से भी उसकी भौतिक आवश्यकता पूरी होती है। और यदि हम बात करें भौतिक आवश्यकता की, तो जो होता है निष्क्रमण संस्कार। देखिए निष्क्रमण संस्कार में यह कहा गया था कि 4-5 माह की आयु का जो बच्चा हो जाता है, या जब तक वो 4-5 माह की आयु का होता है, उसके पहले वो उसका जो शरीर होता है वो तैयार नहीं होता बाहर के पर्यावरण को झेलने के लिए। बाहर जो पर्यावरण है उसके दुष्प्रभावों से संतुलन स्थापित करने के काबिल अभी नहीं बन पाया है। उस शिशु का जो शारीरिक विकास है वो पूर्ण तरीके से नहीं हो पाया है, तो इसी कंडीशन में उसको 4 माह तक कम से कम जो है घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, ये बात भी इसमें कही गई है। और फिर जब उसको निकालें तो सूर्य की रोशनी में उसको लेकर जाए, चंद्रमा की चांदनी में उसको लेकर जाए, जिससे क्या होता है उसका भी मनुष्य का भौतिक विकास होता है, उसका शारीरिक विकास होता है। तो ये बात यहाँ है। जबकि हम आत्मिक आकांक्षा की बात करते हैं, हाँ शारीरिक में ही विवाह भी शामिल है कि विवाह के माध्यम से वो शारीरिक सुख भी प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही हम जब आध्यात्मिक या आत्मिक की बात करते हैं, तो गृहस्थ आश्रम में ही ऋणों की पूर्ति होती है, गृहस्थ आश्रम में ही पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं, यानी कि सारी के सारी जो चीजें हैं इनका संबंध हमारे सामाजिक और आत्मिक जीवन से होता है। तो ये भी इसमें दिखाई दे रहा है। देखिए और बात करते हैं हम लोग मानव ज्ञान समस्याओं के समाधान में सहायक। देखिए जितनी भी मानव जीवन की समस्याएं होती है, उन समस्याओं के निराकरण के लिए भी जो है वो सहायक होता है, उनका समाधान में भी संस्कारों की निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया होती है वो सहायक होती है। ठीक है, तो ये भी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। संपूर्ण जीवन संस्कारमय हो जाता है, सही बात है ना, क्योंकि टोटल संस्कार है 16, है ना। इसमें से 3 संस्कार ऐसे हैं जो कैसे होते हैं, जन्म से पूर्व होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम, एक संस्कार ऐसा है जो हमारी मृत्यु के बाद होता है, मृत्यु के बाद, जिसको हम अंतिम संस्कार कहते हैं। ठीक है, बाकी जो 12 बचे जो संस्कार होते हैं, वो 12 संस्कार कहाँ होते हैं, हमारे जीवन काल में होते हैं, जीवन काल में। तो अब आप देखिए कि 12 संस्कार ये जो हमारे जीवन काल में घट रहे हैं, एक संस्कार मृत्यु के बाद हो रहा है, और 3 संस्कार तो ऐसे जो हमारे जन्म के पहले ही संपन्न करा लिए जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो जीवन, या जीवन क्या कहें, जीवन के पहले भी और जीवन के बाद भी पूरा संस्कारों की श्रृंखला चलती रहती है, जिससे हमारा पूरा का पूरा मानव जीवन संस्कारमय हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और इसके माध्यम से नैतिक गुणों का विकास होता है। मैंने देखिए आपको जब इसकी पिछले लेक्चर में मैंने जब जीवंत व्याख्या की थी आप लोगों के सामने, तो मैंने हर किसी में ये बताया था कि हर एक संस्कार में पूरे कुटुंब को, पूरे कुनबे को, पूरे परिवार को, खानदान को वहां एकत्र किया जाता है, है ना, समाज के गणमान्य लोगों को बुलाया जाता है, पुरोहित को बुलाया जाता है, और अलग अलग प्रकार के अनुष्ठानों का यहाँ पर जो है आयोजन किया जाता है, जिससे सभी को आनंद प्राप्त होता। तो देखिए यहाँ नैतिक गुण है जिसमें हम दया, क्षमा, समर्पणता, संवेदनशीलता, अपना कर्तव्य परायणता, ये सब कुछ पूरा करते हैं। जीवन को पवित्र और मर्यादित बनाने रखने में भी संस्कारों का योगदान होता है। फिर सामाजिक दायित्वों के प्रति सजगता में भी ये सहायक होता है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए इसके उद्देश्य क्या है, इनके बारे में यहाँ डिटेल में बताया गया है कि क्या उद्देश्य है संस्कारों के, संस्कारों का प्रावधान क्यों किया गया हमारी संस्कृति में। तो आइए इसको देखें। तो सबसे पहले संस्कारों के जो उद्देश्य है उसमें पहला पॉइंट आता है आपके सामने, आत्मिक तथा शारीरिक उन्नति। देखो यहाँ 2 शब्द है, एक शब्द है आत्मा और दूसरा शब्द है शरीर। यानी कि जब आत्मा भी उन्नति कर लेती है, शरीर भी उन्नत हो जाता है, तो इसको कहते हैं संपूर्ण विकास। क्या कहते हैं? इसी को संपूर्णता कहते हैं, कि जीवन की संपूर्णता प्राप्त हो गई है। और इस संपूर्णता को पाने के लिए ही संस्कारों का प्रावधान किया गया है। तो संस्कार का एक मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की आत्मिक और शारीरिक उन्नति करना है, जिससे व्यक्ति सभी प्रकार के
अंतर्बाह्य दोषों से मुक्त होकर उन्नति कर सके, है ना, आत्मिक यानी कि उसका यही शुद्धिकरण। आप देखिए कि जितने भी संस्कार हमारे होते हैं इसमें ऋणों की पूर्ति हो जाती है, पुरुषार्थों की पूर्ति हो जाती है, तो आत्मिक उन्नति मिलती है, साथ ही शारीरिक उन्नति भी मिलती है, वो संतानोत्पत्ति कर पाता है, ठीक है, वहाँ जितने भी शारीरिक सुख है उनका अनुभव कर पाता है, और इसके माध्यम से ये आप देखेंगे कि आगे जीवन में विकास कर पाता है। अगली जो चीज़ है वो है देवता तुल्य होना। अग्नि पुराण में कहा गया, देखिए यहाँ अग्नि पुराण का रेफरेंस लिया गया है कि संस्कारों के द्वारा संस्कृत या आत्मिक उन्नति प्राप्त व्यक्ति भुक्ति, भुक्ति का मतलब होता है भोग, यानी कि जीवन के सारे रसों का उपभोग करना, और मुक्ति, मुक्ति का मतलब होता है कि जीवन में या जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा को पा लेना। तो सभी प्रकार के जो शारीरिक रोग हैं उनसे भी मुक्त हो जाता है, और एक श्रेष्ठ मनुष्य जो है उसका उसके स्वरूप में मनुष्य प्राप्त कर सकता है। यानी कि देखिए जिस जो व्यक्ति इन 16 संस्कारों का पूर्णतः पालन करेगा वह देवता तुल्य हो जाता है, वो पूजनीय हो जाता है, वह संस्कारवान हो जाता है, वह दूसरों के लिए प्रेरणा स्वरूप हो जाता है। बस यही चीज़ यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाली है, यही चीज़ यहाँ पर आपको बताई जा रही है। अगला उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का संपूर्ण विकास, ये मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को, फिर से देख लेते हैं कि व्यक्तित्व के अनेक पक्ष होते हैं, जैसे कौन कौन सा, शारीरिक पक्ष होता है, मानसिक पक्ष होता है, आध्यात्मिक पक्ष होता है, सामाजिक पक्ष होता है, शैक्षणिक पक्ष होता है। तो आप एक एक की बात कर लीजिए, देखिए विवाह हो गया, अन्नप्राशन हो गया, है ना, निष्क्रमण संस्कार, वो हमारी शारीरिक शुद्धता और हमारी शारीरिक विकास के लिए है, जबकि हमारे यज्ञ ऋण आदि जो है जिनकी पूर्ति विवाह के माध्यम से होती है वो मानसिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास भी इसमें जुड़ा हुआ है ना। जब हम जितने भी संस्कारों का आयोजन करते हैं तो वो एक सार्वजनिक प्रोग्राम बन जाता है, तो वहाँ सामाजिक विकास की बात आती है। जब हम गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, है ना, जिसको हम लोग विद्या क्या वेदारंभ संस्कार कहा गया, जिसके माध्यम से गुरुकुल में प्रवेश होता है, तो हिंदुओं के जो टोटल 16 संस्कार है उसमें प्रत्येक संस्कार मनुष्य के व्यक्तित्व के किसी न किसी पक्ष के विकास के लिए होता है। इनकी व्यवस्था ऐसी होती है कि व्यक्ति गर्भ से ही संस्कारों से प्रभावित होने लगता है और मृत्यु के उपरांत भी उसकी आत्मा प्रभावित होती रहती है। इसलिए आप देखिए कि कोई पूर्वज या कोई हमारा वरिष्ठ जो होता है परिवार का, यदि वो संसार में ना रहे, संसार को किसी कारण से त्याग दे, तो ऐसी कंडीशन में भी हम उसको याद करते हैं और उसके लिए हम जो अनुष्ठान करते वे सब भी संस्कार होते हैं। वो भी पितृ ऋण की पूर्ति करने के लिए हम उनका आयोजन करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। फिर होता है भौतिक सिद्धांत। देखिए इसमें भौतिकता का पक्ष भी दिखाई देता है और काफी महत्वपूर्ण पक्ष है वो भी, कि समाज के साधारण मनुष्य इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर विभिन्न संस्कारों को संपन्न करते हैं। उन्हें विश्वास है कि पूजा अर्चना से, यानी कि सारे इसमें इनको कर्मकांड भी कहा जाता है, इन संस्कारों में कई कर्मकांडों का भी समावेश है, तो इन कर्मकांड से देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उनको मनोवांछित फल देते हैं, यानी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, जैसे कि धन, पुत्र, बुद्धि, शक्ति, और इन सब के उद्देश्य से, इन भौतिक वस्तुओं को पाने के उद्देश्य से, इस वैभव को पाने के उद्देश्य से भी लोग क्या करते हैं, संस्कारों का पालन करते हैं, ये भी इसका एक उद्देश्य है। आध्यात्मिकता की बात कर लेते हैं हम लोग, तो अध्यात्म या आत्मिक उन्नति प्राप्त करना भी है ना, आध्यात्मिकता हमारे जीवन का मूल आधार है, और जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य वो क्या है, मोक्ष होता है, और इसकी प्राप्ति के साधन है कौन, संस्कार। यदि हम 16 संस्कारों की प्राप्ति कर लेते हैं या उनकी पूर्ति कर लेते हैं, उनको जीवन में निभा लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमें हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है, हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर हम ईश्वर को पा भी सकते हैं। शंख लिखित ने लिखा है कि संस्कारों से सुसंस्कृति 8 आत्मगुणों से युक्त व्यक्ति बाह्य लोक में पहुंचकर ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है, जिससे वह फिर कभी च्युत नहीं होता है, यानी कि फिर उसका कभी जन्म नहीं होता, वो परमात्म स्वरूप हो जाता है। नैसर्गिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति, देखिए हिंदुओं में व्यक्ति के प्रत्येक कार्य को अधिक से अधिक नियमबद्ध करना श्रेयस्कर समझाता था, अतः उन्होंने दुख सुख की अभिव्यक्ति को संस्कारों के द्वारा सुनियोजित किया। अंतिम अंत्येष्टि संस्कार के अतिरिक्त समस्त जो संस्कार होते हैं वो दुख और दुख नहीं प्रदान करते, वो सुख और हर्ष और आनंद प्रदान करते। जैसे मैंने आपको बताया था, आप अन्नप्राशन करेंगे तो कुटुंब को बुलाएंगे, आप नामकरण करेंगे तो कुटुंब को बुलाएंगे,
आप विवाह करेंगे तो कुटुंब को बुलाएंगे, यानी कि सारे संस्कारों में कुटुंब हो गया, देवतागण हो गए, समाजजन हो गए और हमारे गुरुजन हो गए, उन सब की उपस्थिति जो होती है वो हर्ष का कारण बनती है और जीवन भर उत्सव का प्रोग्राम चलता ही रहता है। आप देखेंगे संस्कारों के अंतर्गत अशुभ प्रभावों से मुक्ति, यानी कि हिंदुओं का ये एक विश्वास है भाई कि संसार में अनेक अदृश्य अशुद्ध शक्तियां भी होती है जो गर्भ से लेकर यानी गर्भाधान से लेकर मृत्यु के बाद तक पीड़ित करने को तत्पर रहती है। कहते हैं ना, आपने देखा होगा कि हालांकि बहुत सारे चीज इसमें अंधविश्वास भी है, लेकिन जो होता है सिर्फ हम अगर उसी की चर्चा करें वो सही है या गलत है ये ना चर्चा करते हुए, तो आप लोग देखेंगे कि जब माता का गर्भ, माता के गर्भ में शिशु का प्रादुर्भाव होता है, यानी कि जब गर्भ धारण हो जाता है उसके बाद से ही उसके लिए कुछ निषेध लागू कर दिए जाते हैं परिवार के द्वारा कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना है, डेली नहीं उलांगना है, बहुत सारी चीज़ें होती। डेली का मतलब होता है चौक हमारे घर का, वो आंगन, उसको कहीं पर बाहर नहीं जाना उससे। तो ये देखिए इसमें ये होता है कि कोई बुरी शक्ति आपको प्रभावित कर सकती है। ऐसे ही किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद में उसकी शांति कराई जाती है, अन्यथा कोई उसकी आत्मा का गलत उपयोग कर सकता है, उससे बुरे कार्य करवा सकता है, उसका वशीकरण कर सकता है, तमाम प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो इन सब से बचाने के लिए इस संस्कारों की व्यवस्था की गई है। ये देखिए लिखा भी है कि संस्कार इन प्रभावों से बचने में सहायता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए मुंडन से क्या होता है, मुंडन से निकले जो बाल होते हैं उनको क्या किया जाता है, आटे या गोबर में मिलकर नदी में फेंक दिया जाता है, है ना। नहीं तो कहते हैं कि उससे भी कोई वशीकरण आदि कर सकते हैं हमारे बाल से, नाखूनों से, तो मुंडन के बाल को भी आटे की बाटी उसका बना करके आटे में लपेट करके उसको बहा दिया जाता है ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके। तो इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं ये संस्कारों के उद्देश्य हैं और संस्कार एक व्यक्ति के जीवन को संपूर्णता प्रदान करते हैं, साथ ही आपके सिलेबस को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान ये रखते हैं आपके सिलेबस में और बहुत अच्छा अंक आप पा सकते हो यदि संस्कारों के बारे में बहुत अच्छी आपकी तैयारी रही तो। तो मुझे बिल्कुल इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, जरूर बताइएगा कि संस्कारों का ये जो पूरा दो आर्टिकल्स में मैंने दो अलग अलग लेक्चर्स में आप लोगों के सामने कॉन्सेप्ट स्पष्ट किया वो आपको कितना समझ में आया। दोस्तों जय हिंद।